हेलोइन मेथड फर्स्ट ट्राइंगल मेथड सेकंड पैरालेलोग्राम मेथड एंड थर्ड पॉलीगन मेथड। वी हैव टू पुट अ हेडिंग ट्राइंगल मेथड। ओके नाउ राइट डाउन। यस सपोज टू वेक्टर्स आर वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। चलिए सपोज टू वेक्टर्स आर वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। ओके एंड वी हैव टू हमें क्या करना है, वी हैव टू एड इट, वी हैव टू एड इट। देन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू, फर्स्टली वी ड्रॉ वेक्टर टू एड दिस we draw vector p okay we draw vector p and from the head of vector P, we draw next vector q. okay abhi likhte chale jab when we explain then you have to understand properly abhi jab explain karenge to samajh mein aa jayega. firstly we draw a vector p. Firstly, we draw a vector P. We draw vector P. Okay. And after that, what we do? From the head of vector P, we draw next vector, vector q. Okay. After that, yes. Find an resultant. We find an resultant which join what? Which join the head to head and tail to tail. Okay. Yes, sir. होता क्या है, सबसे पहले हमने वेक्टर पी ड्रॉ किया,
और उसके हेड पोर्शन से वेक्टर क्यू को ड्रॉ किया, ठीक। यस देखिए हमने क्या किया, वेक्टर पी ड्रॉ किया इसके हेड वाले पोर्शन से, ये दिस पोर्शन से हमने क्यू को ड्रॉ किया, ठीक। फिर एक रिजल्टेंट मिलता है जिसका टेल पी के टेल पोर्शन से और हेड क्यू के हेड पोर्शन से ज्वाइन होता है, जिसे हम रिजल्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। ठीक, यस। ड्रॉ करिए फटाफट। अब देखिए इन सच केस एक केस बनता है, मान लीजिए कि यहां पे कोई एंगल ना दिया गया हो। अगर एंगल नहीं दिया गया है तो ये ड्रॉ करना हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल होगा, क्योंकि ये तभी ड्रॉ होगा जब हमें इस एंगल की वैल्यू पता होगी। अगर यह एंगल यानी थीटा एंगल अगर आपको पता होगा तभी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बस समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। हम क्या करते हैं, पहले पहला वेक्टर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद उसके एरो पोर्शन से यानी हेड पोर्शन से दूसरे वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। अब दूसरे वेक्टर के हेड को रिजल्टेंट के हेड से और पहले वेक्टर के टेल को रिजल्टेंट के टेल से ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है। यस सर। यहां हम लिखेंगे सपोज टू ऐड दिस वी ड्रॉ वेक्टर पी एंड फ्रॉम द हेड ऑफ वेक्टर पी वी ड्रॉ नेक्स्ट वेक्टर वेक्टर क्यू एंड फ्रॉम द हेड ऑफ वेक्टर क्यू वी ड्रॉ रिजल्टेंट रिजल्टेंट वेक्टर आर। ओके, यस सर। अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, देखिए कभी कभी क्या होता है इन सच कंडीशन, सपोज दिस एंगल इज नॉट गिवन, ओके। इन सच केस कभी कभी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें हम जो बेस लाइन बनाते हैं उसमें से 180 माइनस थीटा का एंगल बनाते हैं। किसका एंगल बनाते हैं? 180 माइनस, लेकिन वो कंडीशन तभी होगी जब हमें इस थीटा की वैल्यू पता होगी, ठीक है। अब देखिए जब इस थीटा की वैल्यू पता होगी तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली यहां पे एक हेडिंग डालेंगे हम, क्या चाहे इसी में लिख लें या प्रोसेस डाल सकते हैं या ऐसे ही समझ लीजिए। हम पहले बेस लाइन को ड्रॉ करेंगे। बेस लाइन मीन्स यदि आप नाम देना चाहें तो नाम भी दे सकते हैं, नहीं तो वेक्टर पी वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे, वेक्टर पी को ड्रॉ करेंगे वेक्टर पी के एरो पोर्शन से एक एंगल बनाते हुए। किस एंगल पे वेक्टर क्यू को ले जाएंगे? वेक्टर क्यू को ले जाएंगे 180 माइनस थीटा के एंगल पे। यहाँ पे आपका एंगल क्या आएगा? 180 माइनस थीटा। भाई ये एंगल आपका क्या आया है? 180 माइनस थीटा का एंगल आएगा, ठीक है। यस भाई,
180 माइनस थीटा के एंगल बनाते हुए हमने क्यू को ड्रॉ किया। अब क्यू के हेड पोर्शन से आर के हेड पोर्शन को और पी के टेल पोर्शन से आर के टेल पोर्शन को ज्वाइन कर दिया तो हमें क्या मिला, रिजल्टेंट। ओके यस सर। तो जब रिजल्टेंट मिल गया तो यह रिजल्टेंट जो होता है वेक्टर आर जो होता है वह किसके इक्वल होता है, वेक्टर पी प्लस क्यू के इक्वल होता है। यानी रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर पी प्लस क्यू वेक्टर क्यू। क्लियर? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। चलिए नेक्स्ट है पैरालेलोग्राम मेथड। लेकिन इसमें भी एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब हम रिजल्टेंट अगर निकालना चाहेंगे, अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है तो उसमें हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट, उसमें फिर प्रोसेस होगा, फॉर्मूला लगेगा, वो आपको डिराइव कराया जाएगा, ठीक है, उसका हम आपको डेरिवेशन बताएंगे। चलिए इसके बाद अभी केवल एडिशन देखिए, ठीक है। नेक्स्ट